मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इमाम दारमी ने इस कहानी को अपने मुकदमे में जमा किया है, हदीस की सनद सही है। तो मेरे भाइयों बहनें, हम आज ये कहानी सुनेंगे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदिल्लाहु अन्हुमा के बारे में। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की उम्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के टाइम पर, सहाबी रसूल है, इंतकाल के टाइम पर उनकी उम्र 18 साल भी नहीं हुई थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो वो टाइम पर सोचिए क्या उम्र है उनकी, 16 साल के करीब। उन्होंने अपने एक अंसारी साथी से कहा कि सुनो, आज ये सब बड़े बड़े सहाबा जिंदा है, चलो सबके पास जाते हैं, उनके पास क्या नॉलेज है, जाके सीखते हैं, उनसे पूछते हैं उस इल्म के बारे में, उनके पास से वो इल्म हासिल करते हैं। होता है ना, नौजवानों में आदत होती है, आप देखेंगे नौजवान जब दीनी प्रोग्रामों के लिए भी आते हैं तो अक्सर अकेले नहीं आते, कंपनी होती है। यहां पे जो नौजवान है उनको जरा चेक करूंगा मैं, तो आपको दिखाई देगा कि अक्सर जो नौजवान जो होते हैं ना, वो कोई ना कोई साथ में होता है, और जो अकेला आया है यानी बहुत डेडिकेशन है उसमें। हाँ, बाकी क्या होता है, उन्हें अच्छा लगता है कि दो तीन लोग साथ में जाएं, वहां जाके मिलेंगे, साथ में मिलेंगे, ऐसा अक्सर नौजवानों का मामला होता है। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी नौजवान थे, उन्हें भी कंपनी चाहिए थी, तो एक अंसारी साहबी को बोले कि चलो सब लोग हैं बड़े बड़े स्कॉलर्स, जाके सबके पास से सीखेंगे कि कोई कंपनी हो जाएगी। अब वो नौजवान ने कहा कि अब्दुल्ला, इतने बड़े बड़े सहाबा के होते हुए तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है, इतने बड़े बड़े हैं तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है? तो अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने जब उनका ये एटीट्यूड देखा तो मैंने उन्हें छोड़ दिया और खुद मैं जाने लगा, और मैं उस सहाबी के पास उस वक्त पर जाता जब वो दोपहर में आराम कर रहे होते और कैलुला का वक्त होता, तब मैं उनके घर पर पहुंचता था, घर के बाहर चादर बिछा करके बैठ जाता, रेगिस्तान की धूल उड़कर मेरे चेहरे पे आती, रेगिस्तान की ना जो गर्म हवा जो धूल होती, जब वो असर की नमाज के लिए बाहर निकलते तो मुझे कहते, अब्दुल्ला आप क्यों यहां आए, हमें बुलाते हम आ जाते, ऐसा क्यों कहते वो? अब्दुल्ला इब्न अब्बास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे, अब कुछ रिश्ते का फायदा उठा सकते थे, क्या आप इधर आओ मुझे सिखाओ, आप भी आओ मुझे सिखाओ, घर बैठ करके सबको बुला सकते थे कि इधर आओ। लेकिन जब वो ये सुनते तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते कि मैं ज्यादा हकदार हूं कि मैं आऊं। वो कहते हैं कि मैं एक एक सहाबी के पास से इस तरह से सीखता गया, यहां तक कि एक ऐसा वक्त आया कि बड़े बड़े सहाबा का इंतकाल होने लगा। अब जाहिर सी बात है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो अबू बकर 60 साल के करीब की उम्र है रदिल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी सहाबी है, अबू बकर रदिल्लाहु अन्हु भी सहाबी है, एक की 18 साल भी उम्र नहीं है, एक की 60 साल के करीब की उम्र है। तो जाहिर सी बात है, जिसकी 60 साल की उम्र हो गई वो हमेशा तो जिंदा नहीं रहने वाले, तो बड़े बड़े सहाबा का इंतकाल होने लगा। और तब ये जो तभी नौजवान थे, इनकी उम्र बड़ी थी, वो कहते हैं कि मैं बच गया और वो अंसारी साहबी भी बच गए, और तब उन्होंने कहा कि ये मुझसे ज्यादा समझदार निकले। तो हम देखते हैं कि वो वक्त पर जब बड़े बड़े साहबा का इंतकाल हुआ, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बताते हैं कि लोग इल्म हासिल करने के लिए मेरे पास आने लगे, उनके पास आकर सीखने लगे, तो तब जाकर उस अंसारी साहबी को एहसास हुआ।